इस वक्त डायनामाइट न्यूज के जो ब्यूरो कार्यालय है वहाँ पे महाराजगंज के पूर्व सांसद और महाराजगंज को यूं कहें कि अस्तित्व में लाने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ खड़े हैं। और इसमें डायनामाइट न्यूज पे हम जानते हैं कि महाराजगंज की जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, क्या अभी वर्तमान में चल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका डायनामाइट न्यूज पे। धन्यवाद डायनामाइट न्यूज का। क्या अभी क्या स्थिति है, आप उस समय जब सांसद थे महाराजगंज को आपने अस्तित्व में लाया, आपने जिला बनवाया, नगर पालिका बनवाया, अभी क्या स्थिति है तब में और आप में क्या फर्क है? अभी एक विकास थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ये पहला जिला था यूपी में जो महाराजगंज पहला जिला बना 2 अक्टूबर 1989 और मैंने जिलाधिकारी और एसपी का परिचय कराया मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि माननीय तिवारी जी, नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, 2 अक्टूबर का समय था, वो आ नहीं पा रहे थे। उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बना के यहाँ महाराजगंज भेजा था और मैंने जिले के जिलाधिकारी और क्या नाम है एसपी का परिचय कराया। गोरखपुर में जिलाधिकारी उसमें डॉक्टर ओम प्रकाश थे और कमिश्नर सक्सेना साहब थे जो बाद में मुख्य सचिव हुए, और यहाँ पर डीएम भी सक्सेना आए थे। तो ये तब जिला आया उस समय 2 अक्टूबर 1989, और जब मैं सांसद बना तो तहसील हेडक्वार्टर था और कुछ था नहीं यहाँ पर। मेरे मन में था कि महाराजगंज को जनपद नहीं बनाएंगे तो हिंदुस्तान के नक्शे पर नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको जनपद बनाया। और सीधे राजीव गांधी ने इसका आर्डर किया कि महाराजगंज को जनपद बनाए तिवारी जी मेरे एप्लीकेशन पर, और जिला बन गया। और दो विधायक थे उस समय, फतेह बहादुर और सुरेंद्र सिंह रामलक्षण प्रसाद, ये लोग भी एग्री थे इसको जिला बनाने के लिए। कुछ लोग जिले का मुख्यालय फरेंदा ले जाना चाहते थे और कुछ लोग नौतनवा ले जाना चाहते थे, लेकिन मेरे दबाव में और बीच में होने के वजह से महाराजगंज मुख्यालय बना। अमूमन एक तरह से कहा जाए तो महाराजगंज को अपने अस्तित्व में एक पहचान यू कहा देने वाले तो आप ही हैं। उस समय क्या स्थिति थी, आप जब महाराजगंज को जिला बनवाए, नगर पालिका बनवाए, तो उसमें क्या वर्चस्वता थी और क्या उसमें भौगोलिक स्थिति थी, क्या हालात थे उस समय और आज में क्या हालात था? उस समय जो है लोग बिल्कुल वो थे कि भाई महाराजगंज में कुछ है नहीं, हमसे वकीलों ने कहा साहब एक मुंसफी यहाँ बनवा दीजिए, मैंने जिला जज मैदान बना दिया जो मैंने 5 साल में विकास किया महाराजगंज का, जिसके वजह से मैं चुनाव हार गया। अगर इतना विकास नहीं किया होता, थोड़ा गैप दे दिया होता, धीरे धीरे किया होता तो शायद मैं चुनाव जीत जाता। वे एकदम से मैंने जिला बनाया, नगर पालिका बनाया, 2 नई तहसीलें बनवाई नौतनवा और निचलौल को, और उसके बाद चानकी घाट का पुल बनवाया जो महाराजगंज को जोड़ता है, उसका लिंक रोड आज तक नहीं बना, 30 साल हो गया। यहाँ के सांसद को 30 साल से सांसद है, वो लिंक रोड नहीं बन पाया उस चानकी घाट पुल का आज तक। और मैं चेहरी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाह रहा था, मिनी डिज्नी वर्ल्ड बनाना चाह रहा था, उसके बाद मैं चुनाव हार गया और आज तक मैं चुनाव जीत नहीं पाया। आपके मुख्य रूप से चुनाव हारने का कारण क्या रहा? हालांकि तरक्की तो आपने 5 साल ही आप सांसद रहे उसमें अमूलचूल परिवर्तन लाए महाराजगंज जिले में, विकास भी और शुरुआत आप ही ने किया एक तरह से, आपके चुनाव हारने का मेन कारण क्या? मुख्य कारण ये था मेरे चुनाव हारने का कि राम का मंदिर बनाने का जो नारा चल रहा था भाजपा का, वो लोगों के मन में आ गया था कि राम का मंदिर बीजेपी बनाएगी और राम राम लोग कर रहे थे पूरे लोग, वो एक मेजर कारण था। जबकि हमको मैं सिर्फ 7,000 वोट से चुनाव हारा था वो 89 का, तो उस समय प्रशासन शासन और गोरखपुर के अधिकारी चिढ़ गए थे कि क्यों महाराजगंज को काट करके जिला बनाया गया, ये खाने का वो भी मेजर कारण था हमारे। नवासी से लेके अभी तक जो है उम्र कहे कि 5 साल पहले या अभी तक राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, उम्र कहे तो अंत में राम मंदिर का मुद्दा इस स्तर तक आ गया, मंदिर बनने को आया, बन भी गया, लगभग अब 22 तारीख को उद्घाटन भी होने वाले हैं, आप इसके क्या कहेंगे? नहीं, राम का लोगों के दिमाग में सेंटिमेंट था कि राम का मंदिर बने, सब लोग चाहते थे कि मंदिर बने, कोई ऐसा आदमी हिंदू नहीं था जो न चाहता हो कि मंदिर न बने। तो मंदिर बन रहा है तो लोगों का जो मंदिर था कि भाई मंदिर भी बन जाए, कोशिश खत्म हो गई, मंदिर बन गया और उसका उद्घाटन भी 22 तारीख को हो रहा है, तो कोई मतलब ऐसा चीज नहीं हुआ है कि बड़ा वो है, लेकिन क्यूरियोसिटी था लोगों में कि भाई मंदिर बन रहा है, क्योंकि बहुत दिन तक ये चला कि मंदिर बनेगा मंदिर बनेगा मंदिर बनेगा, तो एट द लास्ट में मंदिर बन रहा है।
लगभग 2-3 दशकों का तो जो बीजेपी की राजनीति है वो हनुमान मंदिर तक ही ठहरी थी। अब मान लीजिए मंदिर बन गया, उसके बाद बीजेपी क्या राजनीति रहेगी मंदिर बनने के बाद? 2024 में आगामी एक साल बाद जो है लोकसभा चुनाव है, 24 में क्या रहेगा बीजेपी? मंदिर तो बन जाएगा, उसके बाद बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? अब वो मथुरा काशी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो और उनके पास कोई ऐसा मुद्दा है क्या? आप कह सकते हैं जितना फेमस अयोध्या का राम मंदिर होगा उतना ही फेमस अयोध्या का मथुरा का और काशी का मंदिर भी उतना ही स्पीड पकड़ेगा? स्पीड पकड़ा देते हैं लोग, आरएसएस वाले और बीजेपी वाले पकड़ता नहीं, पकड़ा देते हैं, हो सकता है पकड़ा दे, अभी तक तो नहीं लग रहा है, लेकिन आगे कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम करे तो हो जाए। लेकिन जो विकास का बात है वो महाराजगंज में जो विकास हुआ बहुत स्लो हुआ, क्योंकि सबसे पहला जिला ये बना गोरखपुर को काट करके, इसके बाद ये सिद्धार्थनगर और पड़रौना बना, उनका विकास हो गया। इसका इसलिए नहीं विकास हुआ कि जो लोकल यहाँ के एमपी और एमएलए थे वो बिल्कुल उदासीन थे विकास के मामले को लेकर, उनको विकास से कोई मतलब नहीं, किसी का फैक्ट्री बन गया, किसी का कुछ बन गया, लेकिन महाराजगंज में जो डेवलपमेंट वाकई होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। अगर मैं सांसद यहाँ से रहता तो हो सकता था कि गोरखपुर से बड़ा महाराजगंज का विकास हो जाता, लोग देखते। आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मेरे प्रयास का फल है, क्या थोड़ा बहुत चीज़ें महाराजगंज में दिखाई दे रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव है, गठबंधन क्या जो कांग्रेस की गठबंधन है यूपी में क्या रहेगा, किससे, सपा से रहेगा, बसपा से रहेगा या किससे रहेगा, क्या कोशिश कर रहे हैं कि सपा बसपा दोनों से हो, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है वो प्रयास में है कि दोनों पार्टी से हो जाए, दोनों से भी हो सकता है, सपा से तो हो ही रहा है तो बसपा से भी हो सकता है। जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो बड़ी पार्टियां उनको दिल बड़ा करना पड़ेगा, तो क्या वास्तव में कांग्रेस यूपी में दिल बड़ा करेगी या फिर जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, क्या उस हिसाब से? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा कि दिल बड़ा करेंगे या नहीं, लेकिन हमको लगता है कि इस चुनाव को देखते हुए, इसकी इम्पोर्टेंस देखते हुए दिल जरूर बड़ा करेंगे लोग। महाराजगंज में कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्या रहेगी, कौन कैसे गठबंधन में जाएगा सीट या फिर ये नहीं पता चल रहा है कि गठबंधन में जाएगा या सपा लड़ेगी, अगर गठबंधन में जाएगा तो कांग्रेस लड़ेगी और नहीं गया तो सपा लड़ेगी, अभी तक तो क्लियर नहीं है कि गठबंधन में कांग्रेस लड़ेगी या सपा लड़ेगी। महाराजगंज में अभी हाल ही में रेलवे का मुद्दा बहुत बढ़ चढ़ के लिया था, अभी तो वर्तमान में राम मंदिर की वजह से कुछ मुद्दा दबा हुआ है, क्या महाराजगंज में रेल पूरी संभावना? तो अगर मैं सांसद बना तो 5 साल के अंदर रेलवे लाइन यहाँ आ जाएगी, अभी तो रेलवे लगभग लगभग सब कुछ सीमांकन हो गया, भी पास हो गया। अभी क्या हुई बटा? मैं 84 में जब एमपी था तो सिंधिया जी रेल राज्य मंत्री थे और मैंने एक सर्वे कराया था, जहाँ पहले जो ट्रामवे लाइन चलती थी जो जंगल होकर के, वो सर्वे हुआ था, उसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपये अभी सेंक्शन किया था उस सर्वे के लिए, तो वो एज इट इज रह गया, उनका रिपोर्ट वहीं रखा रह गया, फिर उसके बाद वो बन नहीं पाया और मैं सांसद रहा नहीं, मैं रहा होता तो शायद कोशिश करके बनवा दिया होता। जो मौजूदा सांसद है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है, क्या कुछ और विकास करा सकते हैं? पता नहीं तो कराना चाहिए वित्त राज्य मंत्री, हम लोग तो साधारण सांसद थे तो इतना विकास किए, अब वो वित्त राज्य मंत्री थे उस हिसाब से यहाँ बहुत बड़ा विकास होना चाहिए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा कोई विकास हो रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप तक क्या स्वस्थ है पूरी तरह से कि अभी स्वस्थ है? अगर अखाड़े में उतरने का चांस रहेगा आपका? हाँ, अगर पार्टी लड़ाएगी तो जरूर करेंगे। महाराजगंज में एक और नाम और आता है कांग्रेस से, क्या उनका भी कोई रहेगा कि? अगर उनको देते तो वही लड़े, पिछले बार उनको मिला था? हाँ मिला था, मैं लड़ना नहीं चाहता था पिछले बार और वो लड़ना चाहती थी तो उनको दिया, कि अगर वो पार्टी उनको देती है तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। महाराजगंज में कांग्रेस का चर्चा रहेगा, दबदबा रहेगा? हाँ रहेगा, निश्चित रहेगा, कांग्रेस एक्टिव है यहाँ पर और जो हमारे अध्यक्ष हैं शरद कुमार सिंह वो भी काफ़ी एक्टिव है, पार्टी भी एक्टिव है, तो रहेगा यहाँ दबदबा तो रहेगा। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि महाराजगंज में जब मैं सांसद था तो महाराजगंज को मैंने पहचान दिया, नाम दिया, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इनका दर्द छलका, इतना कुछ करने के बावजूद भी महाराज की जनता ने हमको नकार दिया और हरा दिया। आगे जो है देखते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या जो उच्च नेतृत्व है उसमें क्या जो आदेश जैसे भी कहते हैं तैसे महाराज के कांग्रेसी नेता लोग उसके कदम पे उसी कदम पे च-
चलेंगे। जीवन चतुर्वेदी, डायनामाइट न्यूज, महाराजगंज।